हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा एक्सरसाइज नंबर 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किए थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे जिनमें कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी और रियल नंबर शामिल थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप वो वीडियो देखें ताकि इस वीडियो के सब क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व करें। तो चले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे उन्होंने आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, आपने उनको बताना है कि कौन से रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, विच इज 1 प्लस एटा। तो हमने बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट रियल है और कौन सा इमेजिनरी। सबसे पहले हमने लेट करना है कि जेड इज इक्वल टू 1 प्लस एटा, अंडरस्टैंड। अब इसमें से आपको पता है, आपको याद होगा कि हमने देखा था पिछली वीडियो में a+b iota, हमने कहा था कि ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसके साथ ये अयोटा है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है और ये रियल नंबर। बिल्कुल यहाँ पर भी 1 होगा रियल नंबर और अयोटा के साथ, मतलब अयोटा जिस नंबर के साथ होगा वो होगा इमेजिनरी नंबर। तो हम लिखेंगे रियल z, मतलब के z में से जो रियल पार्ट है वो है 1 एंड इमेजिनरी फ्रॉम z इज ऑल्सो 1। हमने अयोटा नहीं ना लिखना साथ, हमने सिर्फ अयोटा के साथ जो वैल्यू होगी वो लिखनी है। यहाँ अयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने लिखा है 1। पार्ट नंबर 2 है इसका, -1 प्लस 2 iota। यहाँ पर भी सबसे पहले आपने लेट करना है कि z इज इक्वल टू -1 प्लस 2 iota। इसमें से अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को आपने अलग करना है, बिल्कुल उसी तरह से a+b iota में b इमेजिनरी नंबर था और a रियल नंबर। हम लिखेंगे रियल फ्रॉम z इज इक्वल टू -1 एंड इमेजिनरी फ्रॉम z इज इक्वल टू 2। मतलब अयोटा साथ नहीं लिखेंगे, जस्ट नंबर जो है अयोटा के साथ, मतलब जो के है 2, वो लिखेंगे। एक और पार्ट सॉल्व कर लेंगे इसका, 5, पार्ट नंबर 5 है इसका, -3 iota। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव की लेफ्ट साइड पे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ होगा 0 -3 iota, मतलब जेड इज इक्वल टू 0 -3 iota। रियल पार्ट होगा इसमें से 0 और इमेजिनरी पार्ट होगा 3, -3, क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो -3। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास इक्वेशन ये है, इसमें से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें से रियल नंबर्स कौन से हैं और इमेजिनरी नंबर्स कौन से हैं। लेट्स सपोज आपके पास रियल नंबर है ये और ये, क्योंकि इसके साथ अयोटा यूज़ नहीं हुआ, और जो ये दो नंबर हैं ये हैं इमेजिनरी नंबर्स, क्योंकि इनके साथ अयोटा है। सबसे पहले आप इनको अरेंज करके लिखेंगे, जिस तरह के एक्स प्लस 1 रियल नंबर्स हैं तो इनको एक साइड पे लिखेंगे, प्लस अयोटा वाई जो के इमेजिनरी नंबर है वो अलग लिख देंगे, और यहाँ पे भी ये है रियल नंबर और ये है इमेजिनरी नंबर। इनको लिखने के बाद हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को कंपेयर कर लेना है, तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपको पता है कि कंपेयर किस तरह से करते हैं, इमेजिनरी पार्ट, सॉरी रियल पार्ट होगा इक्वल रियल के, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा इमेजिनरी के। एक्स प्लस 1 रियल पार्ट और इक्वल की दूसरी साइड पे 4 रियल पार्ट है, तो उनको अलग कर लिया। बिल्कुल उसी तरह हमने इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है, तो y इज़ इक्वल टू -3। आपको पता है कि हमने जब यहाँ देखा था तो
तो हमने इमेजिनरी पार्ट सिर्फ नेगेटिव 3 लिखा था, साथ अयोटा नहीं लगाया था, तो बिल्कुल इधर भी इसी तरह हमने अयोटा नहीं लगाना, जस्ट y इज इक्वल टू नेगेटिव 3, नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव 3। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू 4, पॉजिटिव 1 है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू नेगेटिव 3, हैंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू नेगेटिव 3। तो अब कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज 2.5। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा जो भी मैंने आपको समझाया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कुछ भी डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको लाजमी जवाब दूंगी, आपको गाइड करूंगी। नेक्स्ट रिमेनिंग एक एक्सरसाइज है हमारी 2.6, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे ताकि जल्दी से ये चैप्टर भी कम्प्लीट हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।